65 नंबर साखी में कबीर साहब कहते हैं, साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, साचे हीरा पाइए झूठे मूल हुहान। सौदा माने लोग कहते हैं सौदागर, सौदागर कहते हैं बेचने वाला, और सौदा कहते हैं जिस सामान को बेच रहा है उसे सौदा कहते हैं, जो माल बेचा जा रहा है वो सौदा है। हीरा, हीरा किसे कहते हैं, हीरा एक विशेष कीमत का रत्न है जो व्हाइट कलर का होता है, जिसमें चमक बहुत होती है, और जो कठोर पत्थर होता है जो फोड़ने से जल्दी फूटता नहीं है। कहने का तात्पर्य हीरा क्या है, सत्य ज्ञान और कल्याण पद ही हीरा के समान है, जिसको बेधा नहीं जा सकता। साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, अर्थात अपने मन में जान समझकर, विवेक करके, विचार करके असली माल खरीदो, सच्चा सौदा करो, झूठा माल मत खरीदो, ठगाओ मत, और सच्चा खरीदो और सच्चा बेचो भी। सच्चा सौदा, माल सही खरीदना और सही बेचना, अर्थात सत्य ज्ञान को लो और सत्य ज्ञान को ही दो। ये झूठा ज्ञान संसार को मत सिखाओ, बानी जाल में लोगों को मत फंसाओ, न खुद फंसो। सांचे हीरा पाइए, जैसे सच्चाई से हीरा जैसा चमकता हुआ चरित्र तुमको प्राप्त होगा, हीरा जैसा मजबूत आत्मपद प्राप्त होगा, हीरा जैसा सुंदर विशेष मूल्यवान तुम्हें सदाचार की संपदा प्राप्त होगी। झूठे मूलोहान, और झूठ का सौदा करोगे अर्थात झूठी वाणी बोलना, झूठा सिद्धांत बताना, भूत प्रेत होते हैं, चुड़ैल होती है, टुनही टुनहा होते हैं, ये सब झूठा आडंबर फैलाना बानी जाल, तो साहेब कहते हैं इससे खुद की भी हानि है, दूसरों की भी हानि। भरम मत फैलाओ, सच्चे ज्ञान की बात करो, और सच्चा ज्ञान लो और सच्चा ज्ञान दो। साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, साचे हीरा पाइए झूठे मूल हुहान। ये 65 नंबर साखी थी। अब 66 नंबर साखी का भावार्थ आपको सुनाऊंगा। सुकृत बचन माने नहीं आप न करे विचार, कहें कबीर पुकारी के सपने हो गया संसार। सुकृत वचन माने नहीं, सुकृत किसे कहते हैं, मनुष्य संसार में इतना भूला हुआ है। कबीर साहब कहते हैं सुकृत यानी पुण्य को सुकृत कहते हैं, सत्य वचन को भी सुकृत वचन कहते हैं, और संतों की वाणी को भी सुकृत वाणी कहते हैं। आप माने होता है स्वयं, आप न करे विचार, अपने आप स्वयं खुद विचार नहीं करता है मनुष्य। कबीर साहब कहते मैं पुकार कर कह रहा हूँ, स्वप्न में ही सारा संसार भटक रहा है, भटक गया है, भटकता है, भटकेगा, इसलिए सुकृत वचन माने नहीं आप न करे विचार, कहें कबीर पुकारी के सपन हो गया संसार। कबीर साहब समझाते हैं कि जैसे स्वप्न में जो कुछ मिलता है
आँख खुलने पर पता चलता वो कुछ है नहीं। ऐसे ये सपना के समान ही ये संसार है। इस स्वप्नवत संसार में लोग भूले हुए हैं। मैं पुकार कर कह रहा हूँ कि संतों की वाणी लोग नहीं मानते हैं, स्वयं विचार भी नहीं करते हैं और अंधाधुंध झूठ के रास्ते पर जा रहे हैं, गलत मत पंथों को मान रहे हैं, गलत मजहब पर विश्वास करके लड़ाई झगड़े तूफान मचाते हैं और गलत सिद्धांत को स्वीकार करके पूरी जिंदगी भर उसमें कष्ट उठाते रहते हैं। साहेब कहते हैं सच्चा आत्मकल्याण का मार्ग पकड़ो। जो महान संत समझाते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर नाशवान है, वासना बंधन है, सत्कर्म ही बंधन से मुक्ति का मार्ग है, भक्ति ही मुक्ति का पथ है, ये सब वचनों को मानो और स्वयं भी विवेक विचार करो। अन्यथा जैसे सारा संसार ये स्वप्न में ही जिंदगी बिता रहा है, ऐसे तुम्हारा जीवन भी व्यर्थ चला जाएगा। सुकृत वचन माने नहीं आप न करे विचार, कहें कबीर पुकार के सपन हो गया संसार। ये 66 नंबर रोमैनी की व्याख्या थी। अब है 67 नंबर रोमैनी। कबीर साहब कहते हैं कि दुनिया में बहुत प्रकार की आग होती है, लेकिन जो दुनिया में आग है वो जब लगती है, घर जलाती है, घर का सामान जलाती है, गाड़ी को जलाती है, शरीर को जलाती है, कपड़ों को जलाती है, लेकिन एक ऐसी भी आग है जो आग ज्ञान की आग है, और ये आग ऐसी है जिसमें धुआं भी नहीं होता है और जितनी बुराइयों का कचड़ा है और जितना हमारे अंदर पाप है, अज्ञान है और जितने हमारे दुर्गुण हैं वे सब जल करके भस्म हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान की आग को सभी की ज़रूरत है और सभी लोग ज्ञान की अग्नि अपने अंदर, ज्ञानांग दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, ज्ञान की अग्नि में अपने कर्मों को भस्म कीजिए और मोक्ष प्राप्त कीजिए। आग जो लाग समुद्र में धुआं न पर गट होए, की जाने जो जरे मुआ की जा की लाई होए। ये संसार रूपी समुद्र में आग लगी हुई है, ज्ञान की आग लगी हुई है और इस आग में कोई धुआं भी प्रकट नहीं हो रहा है, चुपचाप ही आग लगी है। तो इसको कौन जानता है जब धुआं भी हो नहीं रहा। जैसे धुआं होता तो दूर से पता चल जाता यहाँ पर आग लगी है, आग लगने वाली है, लेकिन इसमें धुआं भी नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो कबीर साहब कहते हैं कि जाने जो जरमुआ, या तो वो जान जाएगा जो इसमें जल करके पूरा कचड़ा समाप्त हो गया उसका, और या तो जाकी लाई होए या जो इस आग को ला कर लगाया है वो जानता है, वो लगाने वाला कोई सदगुरु है, वो जानता है कि ज्ञान की आग यहाँ पर मैंने इसके दिल में लगा दी है, और या तो जिसके अंदर आग लगी है ज्ञान की वो जानता है, दूसरा कोई नहीं जान पाता है। आग जो लाग समुद्र में धुआं न प्रगट हो, की जाने जो जरे मुआ की जा की लाई हो। लाई लावन हार की जाकी लाई पर जरे, बलिहारी लावन हार की छप्पर बाचे घर जरे। 68 नंबर साखी है। लाई माने लाई हुई, लाई आग को भी कहते हैं, दो अर्थ हैं इसके, और तात्पर्य में है प्रेम एवं ज्ञान की आग। लावनहार मैंने पहले ही बताया था सदगुरु, पर माने जैसे चिड़िया के पर होते पंख, तो कौन पंख, खानी और बानी के पंख, अर्थात अस्थूल और सूक्ष्म माया, अर्थात राग द्वेष के पंख। बलिहारी माने धन्यवाद देना, प्रशंसा है उसकी, धन्यवाद है उसको। छप्पर माने छाजन,
छाजन माने छप्पर होता, छप्पर माने छाजन होता, छाजन मतलब जो छप्पर छः के ऊपर है जो, तो छः कौन, पांच ज्ञानेन्द्रियाँ और छठा मन, इस मन के ऊपर जो जीव है उसको छप्पर कहते हैं। और घर माने अहंता ममता, बड़ा सरल अर्थ है। बलिहारी लावनहार की, ऐसे सदगुरु को मैं धन्यवाद देता हूँ और प्रशंसा करता हूँ जिन्होंने ऐसी आग ला करके हमारे अंदर जला दी जिससे छप्पर बच गया और घर जल गया। छप्पर मतलब छः से जो ऊपर है, अर्थात पांच ज्ञानेन्द्रियाँ और एक मन से जो ऊपर है वो जीव, जीव बच गया, जीव का कल्याण हो गया और घर जले। घर माने ये शरीर का मोह, संसार का माया मोह का घर, वो जलकर राख हो गया ज्ञान की अग्नि में। और छप्पर ये एक मन और पांच विषय ये जल करके राख हो गए, छप्पर बच गया और घर जल गया। बाबा लाई लावन हार की जाकी लाई पर जरे, लाई लावन हार की, बड़ा मस्त शब्द है। सदगुरु ऐसी ज्ञान की अग्नि लाकर हमारे अंदर लगा देते हैं, जो सदगुरु ने ये आग लगाई है पर जरे, मतलब इस जीव के पर माने पंख, राग द्वेष के पंख, अस्थूल सूक्ष्म माया के पंख, खानी वानी जाल के पंख, वे सब जल जाते हैं इस आग में और कल्याण जीव का हो जाता है। कितनी बढ़िया बात कबीर साहब समझा रहे हैं, एक नया अर्थ छप्पर का निकाल दिया कबीर साहब ने।